तो गाइस आज स्टार्ट करने वाले हैं अपनी अगली एक्सरसाइज 1.6। और इसको स्टार्ट करने से पहले एक रिलेशन होता है यूनियन और इंटरसेक्शन के बीच में, तो फटाफट एक फॉर्मूला लिखे हैं। और फॉर्मूला क्या है वो सुनो। तो एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई, ठीक है, इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब ये ए और बी की फॉर्म में भी हो सकता है और ये एक्स और वाई के फॉर्म में भी होता है, उससे कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। तो फटाफट वो समझो। अब आपको बोला गया इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, एक्स और वाई दो सेट्स हैं और उनके बीच में रिलेशन कैसे दिया हुआ है वो सुनो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स, एक्स में एलिमेंट की संख्या है बहुत 17, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई, वाई में एलिमेंट कितने 23, और एक्स यूनियन वाई दोनों में मिलाकर एलिमेंट है 38। तो आपको बोला गया एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है आपको। कैसे निकलेगा फटाफट देखिए, तो फॉर्मूला लगा दो पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट। तो फॉर्मूला हो जाएगा देखिए एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, यही होता है फॉर्मूला। अब देखो फटाफट से वैल्यू पुटिंग कर दो। तो यूनियन कितना है 38, एन एक्स है आपका 17, और एन वाई है 23 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा बॉस 40, और बराबर में कितना 38 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। आपको निकालना क्या है एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो कैसे निकलेगा ये माइनस कर जाएगा तो प्लस का, जैसे आप एक्स और वाई को सेपरेट करते हो वैसे हो जाएगा, ठीक है, 40 से प्लस का हो जाएगा तो माइनस का, तो कितना आ जाएगा 2। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स इंटरसेक्शन वाई इज 2, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया गाइस, फटाफट से इसको उतार लो। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन जो आपका सेम पहले की तरह था वो आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, वडोदरा वाला है, इन ग्रुप ऑफ अ 400 पीपल 250 कैन स्पीक इन हिंदी, 400 लोग हैं, ठीक है, उसमें से 250 बोलते हैं हिंदी, यानी 250 बोलते हैं हिंदी, एंड 200 स्पीक इंग्लिश, और जो इंग्लिश बोलते हैं वो है 200, और आपको बोला गया कि हाउ मेनी पीपल लाइक, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो देखो याद रखना, जब भी आपको एंड और बोथ वाला नाम लिखा हुआ आ जाए कहीं भी, ये दो वर्ड लिख जाए तो समझ जाए कि ये स्टेटमेंट जो मांगी गई है वो बोलते हैं इंटरसेक्शन को। तो याद रखना एक नॉट लिख लो, नॉट क्या है तो आप याद रखें कि अगर बोथ एंड जैसा मिल जाए उसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, ओके, और अगर और जैसा मतलब मिल जाए तो आप समझ जाएंगे यूनियन। बात समझ में आ गई, एंड और बोथ के लिए हम इंटरसेक्शन बोलते हैं और के लिए यूनियन बोलते हैं। तो देखो फटाफट से आ जाओ, तो मैंने बोला आपको गिवन डाटा लिखिए, तो पहले गिवन डाटा क्या है आपको एन हिंदी यूनियन इंग्लिश दोनों गिवन कर रखे हैं, मिलाकर लोग कितने थे 400, बात समझ में आ गई, और आपका एन हिंदी बोलने वाला नंबर ऑफ पीपल स्पीक हिंदी, तो हिंदी वाले कितने थे, हिंदी वाले थे 250, फिर इंग्लिश वाले कितने थे, तो इंग्लिश वाले थे 200। तो आपको निकालना है एन एच इंटरसेक्शन ई, क्योंकि आपको क्या बोला गया था बोथ हिंदी एंड इंग्लिश फाइंड करने, तो मैंने इसको बोल दिया क्वेश्चन मार्क, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकलेगा, दैट इज कॉल्ड गिवन डाटा, ये क्या है गिवन है जो क्वेश्चन से मैंने लिख दिया। तो आप फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला कैसे गया था मैंने एन एच यूनियन ई इज इक्वल टू एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। याद रखना एक्स और वाई होगा तो एक्स वाई ले लो, ए बी है तो ए बी ले लो, और बाकी जो आपके मन में आ रहा है वो आप ले सकते हो डाटा के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, तो फटाफट आ जाओ। तो यूनियन कितना गिवन है आपको 400, बात समझ में आ गई, तो यूनियन गिवन है आपको 400 इक्वल एन एक्स कितना गिवन है 250, एन ई 200, दोबारा से आपको निकालना है इंटरसेक्शन, कैसे निकलेगा जैसे पहले निकालना, कितना आ जाएगा दोस्त 450 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, ये प्लस माइनस का हो जाएगा तो प्लस का, तो एच इंटरसेक्शन ई 450 प्लस का हो जाएगा तो माइनस, तो माइनस का कितना आ जाएगा 50, दैट इज कॉल्ड एच इंटरसेक्शन ई, यानी दोनों इंग्लिश बोलते हैं, 50 लोग ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो फटाफट से सुधार लो स्पीड से।
अगला सवाल देखिए गाइस, जो फोर्थ क्वेश्चन है वो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड तो ये भी है लेकिन एक मैं करा रहा हूँ बाकी आप कर लेना। तो क्वेश्चन देखो बराबर से फाइव, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स हैज 40 एलिमेंट्स, तो एक्स हैज का मतलब क्या है, यानी नंबर ऑफ एक्स में जो एलिमेंट्स है वो है 40 और एक्स यूनियन वाई में जो एलिमेंट्स है वो है आपके पास 60, बात समझ में आ गई, और एक्स इंटरसेक्शन वाई में जो एलिमेंट है कॉमन एलिमेंट वो है 10, तो आपको बोला गया फाइंड कीजिए वाई में कितने एलिमेंट होंगे, ये आपको निकालना है, क्लियर है मेरी बात। तो कैसे निकलेगा, देखो आप फॉर्मूला लगाओ, तो फॉर्मूला होता है एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो वैल्यू पुटिंग कर दो, जो गिवन है एक्स की जगह गिवन है आपको 40, यूनियन की जगह गिवन है आपको 60, वाई आपको मालूम नहीं है, कॉमन गिवन है आपको 10, 40 में 10 जगह कितना बचेगा वो 30, बड़े क्या आगे प्लस का निशान, तो एन वाई यहाँ आ जाएगा 60 प्लस का हो जाएगा तो माइनस का, तो आपकी एन वाई की वैल्यू आ जाएगी 30 और निकल गया आपका एन वाई, तो एन वाई निकालना था नहीं, वाई में कितने एलिमेंट होंगे, तो कितने होंगे वो 30 एलिमेंट होंगे वाई के अंदर, फटाफट से उतार लो स्पीड से। अगला सवाल देखें, सेवन इंपोर्टेंट सवाल है, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 65 लोग थे ठीक है, 40 लाइक अ क्रिकेट जिसमें 40% करते हैं क्रिकेट को और 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस जिसमें 10 ऐसे हैं दोनों को लाइक करते हैं टेनिस को भी और क्रिकेट को भी, आगे लिखा हुआ है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, अब टेनिस ओनली बोल दिया इसका मतलब क्या है कि ओनली टेनिस ही, क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए उसके अंदर मिक्स, बात समझ में आ रही है, अभी ये निकालना है आपको, फिर आगे लिखा हाउ मेनी लाइक टेनिस और टेनिस को कितना लाइक करते हैं ये भी बताना है, ओनली टेनिस और टेनिस में अंतर है भाई, देखो दिखाऊंगा भी क्वेश्चन दूंगा जब, तो पहले गिवन डाटा लिखो, गिवन डाटा क्या है फटाफट से आइए, तो आपको एन दोनों का यानी क्रिकेट का यूनियन टेनिस का दोनों का यूनियन कितना गिवन कर रखा है आपको 65, फिर एन, अब देखो आपको बोला गया क्रिकेट, क्रिकेट यानी एन सी कितना गिवन कर रखा है आपको 40 और आपको दोनों एन सी इंटरसेक्शन टी ये गिवन कर रखा है आपको बॉस 10 और आपको निकालना है एन, सबसे पहले तो टेनिस की बात कर रहा हूं जो सेकंड वाला पार्ट है आपको एन टी निकालना है, फिर बाद में मैं बात करूंगा कि आपको निकालना है ओनली टेनिस नॉट क्रिकेट, ये वाला मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा, तो पहले इसकी बात करते हैं फिर मैं लास्ट सेकंड वाले पॉइंट पे आता हूं फटाफट वाले। तो देखिए फॉर्मूला होता है टी का, तो एन सी यूनियन टी इज इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, चलो आ जाओ फटाफट से फॉर्मूला डालो, तो यूनियन है 65 एन सी 40 एन टी नहीं मालूम और ये कितना है अपने पास 10, तो 40 में 10 का कितना बचेगा वो 30 प्लस में एन टी सही है और 65 ये प्लस माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वो प्लस का, समझ में आया, तो यहां कितना आ जाएगा 65 माइनस 30 एन टी, तो कितना आ जाएगा 35, तो एन टी की वैल्यू कितनी आ गई यानी टेनिस वाले आ गए आपके 35, अब आपको बोला गया ये 35 तो आ गए आपके एन टी यानी टेनिस वाले लोग जो है वो है आपके कितने 35, अब आपको बोला गया ओनली टेनिस, तो ओनली टेनिस का मतलब है कि क्रिकेट की थोड़ी सी भी छत्रो छाया ना हो तो क्या होगा, देखो सुनो मैंने कहा अगर मैं टोटल टेनिस से दोनों, देखो मैंने बोला कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, अगर मैं कॉमन वाले पार्ट हटा दूं तो मेरा आंसर निकल जाएगा ओनली का, तो मैंने क्या था एन टी में से माइनस कर दूंगा एन सी इंटरसेक्शन टी यानी कॉमन वाला पार्ट, जो कॉमन वाला पार्ट था उसको मैं हटा रहा हूं, तो मैंने बोला आपका था 35 माइनस कॉमन, जो इसमें क्रिकेट वाले बनते भी कुछ शामिल है, मुझे चाहिए ओनली टेनिस वाले, तो 35 में से 10 गया तो कितना बचेगा वो 25, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ओनली टेनिस नॉट क्रिकेट, बात समझ में आ गई, ये मेरा आंसर निकल गया ओनली टेनिस नॉट क्रिकेट, तो कितना आंसर आ जाएगा 25, यानी फर्स्ट वाले का आंसर ये है सेकंड वाले का आंसर ये, क्लियर है, तो मैंने लिख दिया फर्स्ट पार्ट और ये रहा मेरा सेकंड पार्ट, मैंने सेकंड पार्ट इसलिए निकाला क्योंकि सेकंड पार्ट निकालता तभी मैं आपको फर्स्ट पार्ट समझा पाता, क्लियर है मेरी बात, अब फटाफट से देखें क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट क्वेश्चन है और खत्म हो जाएगी अपनी वाली एक्सरसाइज, तो गाइस अगला सवाल देखें लास्ट सवाल है आपका, इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच एंड 20 स्पीक स्पेनिश
एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच एंड हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस। तो देखो जब भी एटलीस्ट का मतलब आया तो समझ जाए कम से कम वो एक, सुनो, कम से कम वो दोनों में से एक लैंग्वेज तो बोलते ही है। इसका मतलब क्या है कि एक भी हो सकती है दोनों भी हो सकती है, यानी जब एक और दोनों की बात आ जाए तो आप समझ जाए कि एट इसके लिए सिंपल यूज करते हैं ए यूनियन बी, यानी दोनों का यूनियन, भाषण में आ रही है दोनों के यूनियन की बात कर रहा हूँ, यूनियन हम यूज करते हैं। क्लियर है? एट इसके लिए यानी ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, वो फ्रेंच भी हो सकता है वो स्पेनिश हो सकता है। तो फटाफट से आओ डाटा को गिवन, तो गिवन डाटा हो जाएगा हमारा एन फ्रेंच वाला, तो फ्रेंच हमारे 50, स्पेनिश 20, एन दोनों, तो एफ इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू 10। अब मुझे निकालना है एन दोनों का यूनियन, यानी फ्रेंच यूनियन स्पेनिश मुझे निकालना है ये, यानी या तो ये भी जानते हो या ये भी बोलते हैं, वास्तव में आ रही है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आ जाओ फटाफट से, फॉर्मूला होता है एन एफ यूनियन एस इज इक्वल टू एन एफ प्लस एन एस माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एस। तो कितना आ जाएगा बॉस, एन एफ कितना है 50, 20 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा 50, 20 70, 70 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा 60। तो फाइनल आंसर इज एन एफ यूनियन एस इज, दोनों बोलते हैं कम से कम एक लैंग्वेज बोलना दोनों भी, तो कितना आ जाएगा आंसर 60। समझ में आया? फटाफट से डालो उसको। तो गाइस आपकी सेवाएं आज तक समाप्त हो गई है, अब हमारी रहेगी मिसलेनियस वाली एक्सरसाइज जो कि हम अगली वीडियोस के अंदर सीखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।